सर जो क्वेश्चन आपने परसों दिए थे वो उनके आंसर वो बता दीजिए। अच्छा, मैं आंसर ग्रुप में ही डाल दूंगा, वो आंसर देख लेना, ठीक है? अभी मेरे पास क्वेश्चन वाले पड़े नहीं है ना। आपके पास है क्वेश्चन तो मैं अभी सॉल्यूशन करा देता हूँ, लास्ट में ही करा दूंगा सॉल्यूशन। अभी आप थोड़ा नया चीज देख लो कि अगर हम नई चीज में कुछ करा देते हैं, ठीक है? मौसम अभी सर और एक ओपन। बार क्वेश्चन, सर हाँ एक हाँ बार क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर दीजिए। अच्छा एक्चुअली वो क्वेश्चन अभी है नहीं मेरे पास रिकॉर्डेड ना लैपटॉप में, जी, ओके सर, कोई तो ठीक है हम नया थोड़ा टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में अभी जो बचेगा ना, पहले टॉपिक आप सब लोग देख लीजिए थोड़ा बहुत, लास्ट में भी सब चीजों पर डिस्कस कर लेंगे ना, मिक्स कोई क्वेश्चन होंगे तो कोई भी क्वेश्चन उठा के तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में आपको अभी बहुत सारे टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे होंगे तो इस वजह से बहुत सारे डाउट रहता है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे उसमें कोडिंग डिकोडिंग का था, तो कोडिंग डिकोडिंग का हम कुछ टॉप रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअली होता क्या है, जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, इसको हिंदी में कूट प्रतिकूट भी कहते हैं या कूट लेखन या कूट वाचन परीक्षण भी कहते हैं। ये तो हिंदी है, कूट प्रतिकूट वाली कंडीशन अगर कूट और प्रतिकूट कहते हैं, और अदर अदर मेथड से भी बोला जाता है इनको, अदर नहीं यानी। तो कोडिंग डिकोडिंग में आप जैसे वर्ड से पता चलता है कोड का मतलब किसी चीज को हम कोड कर रहे हैं, कोड का मतलब कोई भी चीज है, मान लो कि आपको कोई मैसेज भेजना है तो आप कोडिंग के जरिए कोई मैसेज भेज रहे हैं, और आप जिसको मैसेज भेजेंगे वही डिकोड कर सकता है, और अदर पर्सन किसी थर्ड पर्सन को हमें पता नहीं चले। जैसे मुझे लिखना है काउ लिखना है, अब मैं यहाँ से कोड करके काउ का कोई और मतलब होगा, जो किसको जो रिसीवर होगा जो डिकोड करेगा उसको, काउ का मतलब हो सकता है कि 4 से रिलेटेड हो या 3 या 3 नंबर से रिलेटेड हो, तो काउ बोला तो इसका मतलब हो गया 3, तो दैट इज मैंने 3 को क्या कोड कर दिया काउ, और उसको डिकोड करने वाला पर्सन डिकोडर कहलाएगा। तो हमारे पास दो चीजें होती है, दो पर्सन कनेक्टेड रहता है कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे आप कोड वर्ड में आप कोई चीज मेरे को भेज रहे हैं कोड वर्ड और मैं उसको डिकोड कर पाऊंगा तो डिकोडिंग हो गया। तो नॉर्मली कोडिंग डिकोडिंग आप रियल लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप में नॉर्मली मैसेज करते हैं या लैपटॉप में आप कोई चीज डालते हैं तो कोडिंग के थ्रू जाता है, लैपटॉप उसको डिकोड करके कंप्यूटर उसको डिकोड करके आपको रिजल्ट पेश करता है, तो डिपेंड दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। अब नॉर्मल लैंग्वेज में हम डिकोडिंग कोडिंग जैसे रीजनिंग वाले बेसिस पे है कि हमारी लॉजिकल पावर को बढ़ाता है, इसीलिए हम इसको कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास नॉर्मली कुछ चीजों में तो हमारे पास अल्फाबेट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंग्लिश अल्फाबेट है, जो मैंने बोला था कि लास्ट टाइम भी जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उनको याद कर लीजिए, कि अगर बहुत जल्दी कुछ नंबर आप याद कर लो, जैसे अब मैंने बताया एम को याद कर लो, M13 होता है, एम के आसपास के कुछ नंबर आपको याद हो जाएंगे, जैसे N14 याद हो जाएगा, O याद हो जाएगा, L याद हो जाएगा, तो ऐसे कुछ याद होने लग जाएंगे। E जैसे याद हो जाएगा तो 5, 6, 7 और से 4 वाला याद हो जाएगा, और ये 15 याद हो जाएगा, ऐसे कुछ बीच बीच के लेटर याद करो तो आप आगे पीछे जा सकते हो। जेड आपके पास 26 से है, वैसे वाई आपके पास 25 है, एक्स आपके पास 24 है, तो कुछ लेटर आपको याद कर लेने पड़ेंगे ताकि आपको जल्दी हो सके। ऐसा नहीं कि बिना याद के नहीं हो सकते, बिना याद के भी आपको लिखना पड़ जाएगा, एक बार लिख लो इनको। और लिखने का तरीका सबसे बेस्ट यही होता है कि आप ए बी सी से लिखो, एम तक लिखो, और एम से एन तक लिखो, इनके ऊपर कोड कर दो 3, 4, 5, 13 तक, 14 तक। अब ये 14 एम का भी कोड है, अगर यहाँ से जेड से स्टार्ट करेंगे, और 13 भी एम का कोड है, वैसे सिमिलरली एन का कोड भी 14 भी है अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो, और अगर इस साइड से स्टार्ट होगा तो 13 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन 13 हो जाएगी, और बहुत सारी कैलकुलेशन आपको करने में हेल्प मिल जाएगी। जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था इसी पर बेस्ड, जैसे अभी हमने ईएच, बेटा अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज।
ठीक, तो आपको कोडिंग में नॉर्मली ये चीजें करनी है कि आपको ध्यान रखना है, सबसे बेसिक तो अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट आपको अच्छे से याद कर लेना कि अल्फाबेट में नंबरिंग कैसे करनी। तो इस तरह से नंबरिंग करोगे, आप अपना मेथड भी कोई लगा सकते हैं। मेरा नॉर्मली सिंपल तरीका ये है कि आप 1 से स्टार्ट कीजिए, 13 तक याद करो, उनके डबल उनके नीचे लिख दो तो डबल टाइप की आप कोडिंग याद रख सकते हो एक साथ। ठीक है, अब जैसे अब ये यूजफुल कैसे होंगे, जैसे कूट लेखन में कुछ चीजें लिखी रहेंगी, जैसे हमने अभी का जो देखा वो भी कोडिंग डिकोडिंग वाला ही पार्ट था। जैसे 5 का HOTEL 12 लिख दिया, और LAMV वाला ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है। अब ई को उसने लिखने का तरीका बता दिया, अगर मैं तुम्हें एक तरीका बता दूं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, और दिख रहा है ना, हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बिल्कुल अभी देखिए, हाँ अब जैसे इसमें कोडिंग डिकोडिंग में कुछ टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तुमको थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे अब मैंने लिखा कोई वर्ड HAND, HAND इक्वल टू IBOE। एक मिनट, कितना हो गए? 7 हो गए, 5 हो गए, सही हो गया। 8 रोटी है पहले से, 1 रोटी है, 8 और दे दो। 1 2 3 4 5 6 एक रोटी हम अभी दे दो मैडम। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, सर थोड़ी आवाज सी नहीं आ रही। तो,
हाँ मैं बता रहा था कि जैसे हैंड को IBOE लिखा है तो हम सिल्क क्या लिखेंगे। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये किस कोड में लिखा हुआ है, कि कैसे कोडिंग कर रखे या डिकोड कर रखा है इसको। जैसे एच को उसने आई के फॉर्म में लिख दिया, ए को बी के फॉर्म में लिख दिया, एन को ओ के फॉर्म में लिख दिया और डी को ई। तो आपको पता चल गया होगा एच के बाद आई आता है, ए के बाद बी आता है, एन के बाद ओ आता है, डी के बाद ई। तो हर किसी में +1 कर रखा है, ठीक है, तो हर के लिए एक रहता है। तो एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, आई के बाद जे, एम, एल के बाद एम आता है, के बाद एल आएगा। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, सिल्क टी जे एम एल। तो एक तो नॉर्मली इस टाइप का आता है जिसमें हमें कुछ एडिशन, कुछ सेपरेक्शन, कुछ डिवाइडेड करने पड़ेंगे। अब जरूरी नहीं है हमेशा ही +1 होगा, हो सकता है कि -1 हो जाए, +1 हो जाए, या डबल करके 4 कर दे, या कभी प्लस कर दे, कभी माइनस कर दे, इस टाइप का भी कर सकता है। जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन है, राइट RITE, तो कोडेड कर रखा उसने VQHSD, ठीक है, तो MIGST को क्या लिखेंगे। है कुछ? हाँ सर, आ गया। तो अब इसमें सिंपली हमने क्या कर दिया, अब अपोजिट कर एक दिया, इसको माइनस माइनस कर रखा है, ठीक है, इसमें से -1, इसमें से -1। ये तो सिंपली दे रहा हूं मैं तुम्हें ताकि आइडिया हो जाए कि या एडिशन करेगा या सब्ट्रैक्शन करेगा, और दोनों चीज भी कर सकता है, एक में ऐड कर रहा है, एक में ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कितने भी नंबर, कभी 3 कर देगा, कभी 2 कर देगा। तो इस तरह से एक टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि हमें कैसे कोई क्वेश्चन, मतलब कोडिंग डिकोडिंग कैसे करनी है। नॉर्मली पहले टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। अब इसी में एक और करो, फास्ट करना थोड़ा जल्दी, हाँ जल्दी आंसर बताना। जैसे चेयर को हमने लिखा हुआ है, इसका आ गया ना सभी को, जैसे इससे एम से पहले एल आता है, आई से पहले एच आता है, जी से पहले एफ आता है, एस से पहले जी आता है, एस आता है, तो इसका ये हो जाएगा किसने किया नहीं है। तो ये देख, जैसे हम चेयर को लिख रहे हैं, CHIR चेयर को हम लिख रहे हैं, EJCKT, ठीक है, तो LIGST को क्या लिखेंगे, LIGHT। आंसर इज NKIJ। NKIJB। ऐसा सभी को आया। तो इसमें क्या कर दे रहा है, एक एक लेटर छोड़ दे रहा हूं, +1 +2 कर दे रहा है। जैसे सी के बाद डी ई आ रहा है, एच के बाद HIJ, ए के बाद बी को छोड़ दे रहा है, सी आ जा रहा है, आई के बाद IJK, आर के बाद RST, तो टी आ जा रहा है, एक एक के बाद छोड़ देगा, तो एल के बाद एम को छोड़ देगा, एल लिख देगा, आई के बाद जे को छोड़ देगा, के लिख देगा, जी के बाद एच को छोड़ देगा, आई लिख देगा, एच के बाद आई को छोड़ दिया, जे लिख दिया, और टी के बाद यू को छोड़ दिया, वी लिख दिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। आप एक और लिखो, ये क्लियर हुआ ना सभी को। यस सर। नेक्स्ट लिखो फिर, जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन करो। MOTHERS, मदर्स इज कोडेड एज OLVEGOU। फिर इसको ऐसा लिखेंगे तो बोलना BROUGHT, कैसे लिखा।
सर +2 -3 का सीक्वेंस बन रहा। हाँ, +2 -3 का सीक्वेंस से बन रहा है, सिंपली MNO +2 कर रहा है और उसके बाद -3 हो जा रहा है, LMNO, तो -3, तो उसके बाद +2, फिर -3, +2 -3, तो इस तरह से बनेगा। तो B में +2 करोगे तो B C D हो जाएगा हमारे पास डी D, ओ क्यू आर आई ई वी डी ओ क्यू आर क्यू आर आई ई वी हाँ सही है। ठीक है ना, तो इस तरह से एक टाइप का तो ये हो गया आपके पास कि हाँ कुछ नंबर प्लस या माइनस होते हैं इस तरह से हो। ठीक है, तो पहला टाइप क्लियर हो गया। ना तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा टाइप जो होता है हमारे पास, दूसरे टाइप में इसमें नंबरों को कोडेट कर देता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, चेयर लिखा हुआ है, CHAIR, चेयर को मैं कोड लिख देता हूँ 5 3 2 6 9। ठीक, तो बोला और ईयर को लिख दिया EAR, ईयर को लिख दिया उसने 7 2 9। ठीक, तो हेयर को क्या लिखेगा, HEAR। थ्री सेवन टू नाइन। हाँ, अब इसमें ध्यान देना, जब आपके पास पूरे लेटर मिल जाए, जैसे इसमें एच है, इसमें भी एच है, ई है तो ई भी है, ए को भी कोडेड कर रखा उसने और ए को सेम लेटर से कोडेड कर रखा है, आर को उसने आर भी दे रखा है, आर भी सेम लेटर से कोडेड कर रखा है। जब आपके पास कोडेड में पूरा ही लेटर ऊपर दे दिया हो कोड और इनकोडिंग करके, तो उसका सीधे चेक करो, उसके लिए कोई रूल नहीं बना होगा, उसके लिए सिंपल सा एच को उसने जो ऊपर डिनोट किया होगा उसी से रिप्रेजेंट किया होगा। तो एच को जैसे यहाँ 3 से रिप्रेजेंट किया तो ये 3 से ही है, ई को जैसे रिप्रेजेंट किया 7 से तो यहाँ 7 ही है, और ए को उसने किया है 2 से तो 2 हो गया, और आर को किया है 9 से तो 3 7 2 9 इसका सिंपली आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब पूरे लेटर मिल जाते हैं, पूरे जो अल्फाबेट अगर मिल जाएंगे ऊपर वाले कोडिंग डिकोडिंग में, तो 90% चांसेस है कि उसके ही कोडेड डिकोड करके नीचे लिखेंगे। क्लियर, तो अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन और होंगे, जैसे कि RIPSLE, इसको लिखा गया है 613082। ठीक है, WIFE, इसको बोल दिया 4192, तो PSPEWSL। सर 3 2 4 0 8, 4 0 8। तो अब इसमें सभी है, जैसे पी क्या हो गया, 3 हो गया, पी को 3 से डिनोट कर रखा है, और हमारे पास ई को कर रखा है 2 से, और डब्ल्यू को कर रखा है हमारे पास 4 से, और एस को कर रखा है उसने 0 से, और एल को कर दिया उसने 8 से, तो उसको वही लिख दिया 3 2 4 0 8। ठीक है, पहला टाइप हो गया जब नंबर किसी के साथ अगर अल्फाबेट के साथ लिखे रहेंगे तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है। अब इसी में थोड़ा जहां मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके हम ऐड करके नंबर को लिख रहे हैं, तो उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कैट को उसने लिख दिया, CAT कैट को लिख रखा है 24। अब देखो यहाँ 3 लेटर है, यहाँ 2 अल्फा सॉरी यहाँ 3 अल्फाबेट है,
और यहाँ 2 नंबर है। इसका मतलब इसने इसमें कुछ लगा रखा होगा, इनको कोडेड नहीं करका, इनका कुछ नंबर की प्लेसेस के कुछ नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड या एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रखा होगा, ये क्लियर समझ जाए। और जैसे उसने नेक्स्ट लिख दिया कैट को ये, और उसने लिख दिया SAD, सैड को उसने बोल दिया 24, तो SHE बोल रहा है, तो क्या बोल, इसको भी 24, इसको भी 24, SHE। तो अब कुछ नए टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो हम 32 32, क्योंकि सी को हम लिखते हैं 3, ए को हम लिखते हैं 1, टी को लिखते हैं 20। तो अगर सबको प्लस करोगे तो 3 एक 4 और 20 करोगे तो यू गेट 24। ठीक है, एस हो गया हमारे पास 19 प्लेसेस पे, ए हो गया फर्स्ट प्लेसेस पे, डी हो गया 4 प्लेसेस पे, तो 19, 120 और फिर से आ गया 24। एस फिर अगेन 19 प्लेसेस पे है, एच हमारे पास 8 प्लेसेस पे है, और ई हमारे पास 5 प्लेसेस पे है, तो ये हो गया 24 और 8, 32। तो सबको यहाँ उसने एडिशन कर दिया कि हाँ इन नंबरों को हम एडिट ऐड करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक टाइप का इस टाइप का भी आता है कि ऐड मल्टीप्लीकेशन, हाँ जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐड हो। ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा हूं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये तो लेटर और नंबर्स का है, कभी कभी नंबर नंबर का भी आता है। अब देखो जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूं मैं, जैसे इसी से रिलेटेड, DEEP, डीप को उसने लिख दिया 60 और रैबिट को लिख दिया उसने RABIT, रैबिट को लिख दिया उसने 100, टी है, और वो पूछ रहा है हेयर क्या होता है, HAIR, क्या लिखेंगे, निकालो। फर्स्ट डीप को उसने 60 लिखा हुआ, सर 36 30, 36 72 72, 36 दोनों ऑप्शन है, और सेवेंटी टू 72। अब हो क्या रहा है, उसने ऐड कर रखा होगा, सिंपल सा कि ऐड करके कुछ कर रखा होगा। तो जिसे डीप है, डीप को 4 प्लस 5, ई 5 पे होता है, और पी हमारे पास हो गया एन होता है, देखो 14 का NOP, तो 14, 15, 16 हो गया। तो सबको ऐड करो तो 10, 26 और ये हो गया 4, 30, तो 30 आ रहा है, ये 60 है, तो 30 का नॉर्मली डबल होता है 60। रैबिट में आ जाते हैं, आर हो गया हमारे पास 18 प्लेसेस पे, ए हो गया 1 प्लेसेस पे, बी हो गया 2 प्लेसेस पे, आई हो गया हमारे पास 9 प्लेसेस पे, और टी हो गया 20 प्लेसेस पे, 9, 1, 10, तो 2, 20, 30, 20, 50, तो ये आ गया 50। तो 50 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 100 आ जाएगा, और हेयर को सिमिलरली, हेयर को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 18, तो ये हो गया 36 गुणा 2, 72। ठीक है, क्लियर ना? अब उसने कुछ नंबर कोडिंग डिकोडिंग में नंबर को नंबर के साथ कोडिंग कर देता है, ऐसे 1, 2, 3, 123 को उसने लिख दिया 36, 225 को उसने लिख दिया 81, और अब वो बोल रहा है 331 को क्या लिखेंगे। अब नंबर टू नंबर चल, अब नंबर टू नंबर में भी कुछ ऐसा होगा कि कुछ फोर्टी मल्टीपल, नाइन 49, बिल्कुल।
अब जैसे हमने देखो 1 2 3 इन सबको ऐड करो तो 2 प्लस 3, अब 36 बहुत बड़ा नंबर होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 2 12 3 जा 36, तो 22 5 110 होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, तो ये ऐसा होगा नहीं, तो हमने सबको ऐड कर दिया, तो ये हो गया 3 2 3 2 5 1 6, तो ये हो गया 6। और 36 और 6 का रिलेशन क्या होता है, स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब सेम इधर आ जाओ, तो ये 5 6 7 8 9, तो 9 हम ऐड करेंगे, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। वापिस करो 3 3 6 1 7, सबको सम कर दिया, तो हमारे पास हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो यू गेट 49, तो आपके पास 49 आंसर आ जाएगा, इस तरह से। क्लियर ना? तो कुछ नंबरों को लेकर भी चलता है, ये टाइप टू हो गया। टाइप टू में हमने देखा कुछ लेटर नंबरों के साथ ऐड होंगे, कुछ नंबर नंबरों के साथ वो होंगे, तो उसका कैलकुलेशन हम ऐसे करें, ठीक है। एक आपने कॉमन देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग में, जैसे उसने बहुत बार बोलता है कि ये इससे कनेक्टेड है, जैसे उसने बोल देता है बादल को सफेद बोलते हैं, सिंपल से लाल को नीला बोलते हैं, ऐसे वाले पढ़े हुए पढ़ा है ना, बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीले को हम बोल दे रहे हैं पानी, ठीक है, पानी को हमने बोल दिया बिजली, लाइट, मतलब। तो बताओ वो नॉर्मल सा पूछ रहा है, अब यहां से यहां तक दे देगा, ऐसे बहुत सारा लंबा दे देगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसने बोल दिया कि बर्ड कहाँ उड़ते हैं, बर्ड कहाँ उड़ते हैं पूछ दिया, पक्षी कहाँ उड़ते हैं पूछ दिया, तो आपको पता है कि पक्षी हमेशा आसमान में उड़ते हैं या हवा में उड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आसमान है नहीं तो हवा में उड़ते हैं, बट कहाँ उड़ते हैं, हवा में। अब हवा को क्या बोला गया है, अब हवा को बोलते हैं हम यहाँ पर नीला नीला, नीला जैसे हाँ जैसे ये हवा को यहाँ पर बोला गया है नीला, तो इसका कोड कहाँ हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नीला। तो उसके जस्ट बाद तो क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ तो आप सीधे इसको ऐसे लिख दो या लिखो भी मत चल जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, उस आंसर को देखना, उसका अगला वाला टब में से आंसर हो, जैसे उसने पूछ देता कि क्या कहते हैं किसी का रंग मान लो सफेद होता है, बारिश कौन कराता है, तो बादल, तो हम बादल नहीं लिखेंगे, बादल को कोट कर रखा उसने सफेद, तो आंसर हो जाता सफेद, ठीक है। हम क्या पीते हैं, पानी, पानी का कोट हो जाता है बिजली, तो आंसर हो जाता बिजली, हम बिजली पीते हैं, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि पानी को उसने लिख दिया बिजली। एक इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसका जरूर ध्यान देना। इसमें एक नए कोड डिकोडिंग में एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपने देखा होगा एन ई, कोई भी लेटर जिसका मीनिंग कुछ होता नहीं है, ऐसे कुछ दे देता हो नी टीन फ्यू, और इसको लिख देता हाउ आर यू, इसका मतलब हो गया हाउ आर यू, नॉर्मली इंग्लिश में ही देता है ये, इसका देखना। नेक्स्ट है एन ई ई नी टीन सी एस ई, इसका हो गया वेयर आर यू, ठीक है। और तो पूछ रहा, इसमें बहुत सारी और दे देगा, इसमें भी हम नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं कि वेयर का कोड क्या है, इसका कोड क्या हो जाएगा, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं उसको देख लो, अभी तो सभी सिंपली है ये, हम हर कोड को वो कर देते हैं, जैसे दो चीजें कॉमन है इसमें, नी और टिन, इसमें भी नी और टिन, यहां इसका मतलब इन दोनों में आर यू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जो वो उसका कोड हो जाएगा, जैसे सी का कोड हो गया मेरे पास वेयर, और फ्यू का कोड हो जाएगा हाउ, तो हाउ को मैं फ्यू लिख सकता हूं, तो अगर कुछ लेटर दे देगा कि वेयर हाउ करके लेटर होगा तो उसका कोड हो जाएगा सी फी ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन आता है, आप क्लास ज्वाइन करो, मैं इसको वो करके फिर इससे आगे वो करते हैं, फिर हम करेंगे।